कहानी में उस बच्चे के आसपास में कोई नहीं था उसको रोकने वाला, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? Yes or no? No. क्या होता है कि हम एक काम करने की सोचते हैं, करना शुरू भी नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, और सामने से चार लोग आ जाते हैं रोकने के, चार लोग आ जाते हैं तरह तरह की बातें करने के लिए कि ये नहीं हो सकता। अरे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है, जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा? होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है और होता रहता है, और मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है, किसी के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है लगता है। लगता है उनको राह चलते भी मेट्रो में भी कोई मिलता है, अबे तू नहीं कर पाएगा चल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में जो ऐसी बातें आपको बोल रहे हैं, ना तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, ना अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कोई राह चलते लोग नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं क्या करता था। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूँ, ना उनसे लड़ता हूँ। मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक वर्ड, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं हो सकता। और जैसे ही मैं ये करता हूं उसके बाद बहुत मजा आता है, आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा, जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं, जैसे ही मैं पूछता ना क्यों, हाँ क्या क्यों, ये कैसा सवाल है। ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओ। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मैं करीबन 18 साल का था और मैंने नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था, तो हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था, और वहाँ पर मैं अपनी मदर के साथ और फादर के साथ में खड़ा हुआ कुछ बातें कर रहा था। इतनी देर में एक सामने से आंटी आई और आकर के बोली, संदीप बेटे क्या नया चक्कर चल रहा है तेरा आजकल? मैं डर गया, मैं मनी मन सोच रहा, मैंने कहा इनको कैसे पता लगा मेरे नए अफेयर के बारे में, कहीं और ही चला गया। फिर मैंने उनको देखा और डरते डरते उनसे मैंने कहा कि भाई आंटी जी क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, कौन सा चक्कर क्या कौन सा। तो आंटी ने बोला, कहते क्यों तू ये फोटोग्राफी नहीं कर रहा आजकल, ये फोटोग्राफी का कोर्स नहीं किया तूने? तो उन्होंने बोला मेरी थोड़ी सी जान में जाना है, मैंने कहा अच्छा फोटोग्राफी की बात हो रही थी। फिर उन्होंने बोला बेटा अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने कहा नहीं आंटी बोलिए ना। बेटे मेरी अगर तू माने ना, तो ये जो तू फोटोग्राफी के चक्करों में पड़ा ना, ये सब बेकार की चीज़ है, इससे अच्छा ये है कि तू कोई और ढंग का काम कर ले या अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था, मैंने कहा आंटी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फोटोग्राफी में कुछ नहीं हो सकता, ये फोटोग्राफी बेकार की चीज़ क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहन का बेटा भी गया था बॉम्बे यही सब करने के लिए जो तू कर रहा है, और उसको 4 साल हो गए धक्के खा रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। फिर मैंने दोबारा से वही क्यों को ले आकर के चिपका दिया। मैंने उनसे पूछा लेकिन आंटी समझ नहीं आया कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा। सीधा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी इरिटेट हो गई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला उस दिन मेरा कम से कम 10 किलो खून बढ़ गया होगा हंसते हंसते। उन्होंने गुस्से से मेरे से पूछा, कहते तेरे कितने परसेंट आए थे 12th में? मतलब फोटोग्राफी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उनका ये सवाल था कितने परसेंट आए थे तेरे 12th में? मैंने कहा जी 85% आए थे। तो उन्होंने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, मेरे को ऐसे देखा जैसे कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और बोली उसके 92% आए थे। क्या कोई है जो ऐसी बातों को सीरियसली ले सकता है? नो, यस और नो? नो, ले ही नहीं सकते। अब बचे 10% लोग,
जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है। मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूँ, उनकी सारी बात को समझता हूँ, फिर अकेले में जा करके उस प्रॉब्लम को सुनता हूँ और अपने पूरे दिल से उस इंसान को, क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूँ या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूँ। क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता।